हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोडिंग राइटर ई कॉमर्स सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी डायनामिक कैटेगरीज को किस तरीके से यहां पर शो कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं यहां पर सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, इन कैटेगरीज की इमेजेस को डालना पड़ेगा ताकि हम इनको यहाँ पर शो करा सके। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या था, कैटेगरी था डालने का ऑप्शन और उनका स्टेटस था, बट हमने उस टाइम के लिए यहाँ पर इमेजेस को नहीं डाला था। तो हम चलते हैं इसके अंदर इमेजेस डालते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली एक कॉलम ले लूँगा और इस कॉलम को मैं यहां पर पेस्ट करके इसमें इनपुट टाइप ले लूंगा फाइल का। तो मैं यहां पर ले लेता हूं इनपुट टाइप फाइल और इस फाइल का नेम होगा हमारे पास इमेज। मैंने यहां पर लिया फाइल का नेम इमेज। लेबल होगा हमारे पास इसका इमेज, कैटेगरी का इमेज। और अगर ये फाइल यहां पर अपलोड नहीं होती, कैटेगरी इमेज अपलोड नहीं होती है, तो यहां पर एक एरर जनरेट होगा। बट गाइज, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो क्या है कि कैटेगरी इमेज ना हो, वो डायरेक्टली यहाँ पर वो अपलोड कर दे, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर इस इमेज का वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट के अंदर इमेज का वैलिडेशन लगाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा रखा इमेज। तो हमने यहाँ पर इमेज ले लिया और अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म ओपन को क्या कर देंगे, जब हम इमेज डाल रहे थे फॉर्म ओपन मल्टीपार्ट, तो हमने फॉर्म ओपन मल्टीपार्ट कर लिया। और जैसे ही ये सबमिट होता है हमारे पास ये कहाँ जाता है, कैटेगरी में। तो कैटेगरी कंट्रोलर में आते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स में आ रहा है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कराना है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर इमेज अपलोड कराई थी, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट कैटेगरी वाले कंट्रोलर में। तो पोस्ट से यहाँ पर डेटा आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, उसी फोल्डर के अंदर हम कैटेगरीज को अपलोड कराएंगे, सेम सारी चीज़ें वही होगी। बट ये जो डू अपलोड है इसके अंदर क्या होगा, नेम इसका इमेज, तो इमेज कर लेते हैं। और कॉलम का भी मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा इमेज का। तो अब चलते हैं यहाँ पर डेटाबेस में, और डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास कैटेगरी थी, उस कैटेगरी का भी के भी अंदर हम एक क्या कर देंगे, एक कॉलम दे देंगे इमेज का, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज का कॉलम नहीं दिया था। तो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में आते हैं, जिसके बाद में एक स्टेटस से पहले एक इमेज नाम का यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा इमेज और इसका हम टेक्स्ट दे देते हैं, कर देते हैं इसको नल, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी इमेजेस ना हो जो भी यहाँ पर अपलोड कर रहा है। तो यहाँ पर इमेज आ चुका नल। चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे, पेरेंट कैटेगरी, यहाँ पर हम चलते हैं मॉडल में। मॉडल के अंदर आ रहा है हमारे पास ऐड कैटेगरी वाला, तो यहाँ से वो इमेज चली जाएगी। चलते हैं एक बार, पेरेंट कैटेगरी इसकी कोई भी नहीं रखते हम यहाँ पर अभी के लिए, इन सारी कैटेगरीज को डिलीट कर देते हैं। तो हम पहली कैटेगरी क्या रखेंगे, एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हेडफोन्स। तो मैं यहाँ पर हेडफोन की इमेज को ही डाउनलोड कर लेता हूँ डेटा में, डेटा फोल्डर था हमारे पास। और फिर हम कर लेंगे मोबाइल फ़ोन की, तो मैं यहाँ से सेव कर लूँगा। फिर हम कर लेंगे सीपीयू हीट पाइप्स, इसको भी सेव कर लेंगे। फिर हम कर लेंगे स्मार्ट वॉच और लास्ट में ले लेंगे विद ब्लूटूथ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नेम है वो है हेडफोन्स, तो यहाँ पर हेडफोन्स ले लेते हैं। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, हेडफोन्स ले लिया मैंने, एक्टिव कर लिया। और यहाँ से चलते हैं डेस्कटॉप डेटा, और डेटा पे आते हैं यहाँ पर हेडफोन्स, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं सबमिट। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास इमेज का नेम नहीं आया, एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इमेज मैंने यहाँ पर डाला था कैटेगरी के अंदर, तो एक बार चल लेते फिर से, कैटेगरी यहाँ पर आई, अपलोड यहाँ पर आ रहा बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर इमेज आ रहा है यहाँ पर नेम। एक बार कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी मैंने नेम इसका इमेज दिया, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। तो एक बार इनपुट टाइप, यहाँ पर जो पोस्ट दिया मैंने, यहाँ पर इसका डेटा चेक कर लेते हैं कि इमेज यहाँ पर बनकर आ रही है या नहीं आ रही है, अपलोड हुई भी है नहीं हुई है। तो यहाँ पर पोस्ट से मैं सिर्फ इमेज को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। और प्रिंट आर के ज़रिए हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ भी डाल के इमेज भी ले लेते हैं यहाँ से और इसको कर लेते हैं स्टेटस एक्टिव सबमिट। यहाँ पर इमेज आ रही है बिल्कुल, एक बार एक देख लेते कि हमारे फोल्डर में भी आ रही है अपलोड्स में। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोडक्ट की कैट इमेज यहाँ पर बिल्कुल आ रही है, तो यहाँ से तो बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीज़ें जा रही है। ऐड कैटेगरी आ रही है, ऐड कैटेगरी का मॉडल भी यहाँ पर बना हुआ है, इसी कैटेगरी है बिल्कुल। पोस्ट से यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही है, एक बार फिर से करके देख लेते कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अब इसका नेम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या पता उसमें जो रिफ्रेश है उसकी प्रॉब्लम हो। ब्राउज पे आते दोबारा से और अब डाल लेते हैं इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से पेरेंट कैटेगरी जा चुकी है। तो सबसे पहला था यहाँ पर हेडफोन्स, हेडफोन्स ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एक्टिव। इमेज इसकी क्या होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी,
सबमिट कर लिया मैंने इसको, एक बार देख लेते हैं ब्राउज पे, तो यहाँ पर आ रहा बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद था हमारे पास सेकंड मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन मैंने यहाँ पर लिया, कैटेगरी नेम में इमेज ले ली इसकी मोबाइल फ़ोन और एक्टिव रखा इसको, ये भी आ चुका होगा। सीपीयू हीट पाइप्स इधर आते हैं, कैटेगरी नेम सीपीयू हीट पाइप्स, एक्टिव इमेज, इमेज यहाँ पर ले ली सीपीयू हीट पाइप, सबमिट। इसके बाद लेते हैं हम स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच यहाँ पर मैंने नेम डाला एक्टिव इमेज और स्मार्ट वॉच ये वाली थी हमारे पास, सबमिट कर ली। और लास्ट में था हमारे पास विद ब्लूटूथ, तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं कॉपी, इसको भी कर लिया यहाँ से कॉपी और यहाँ पर डाल देते हैं ब्लूटूथ एक्टिव सबमिट। बैकएंड से हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, एक बार देख लेते हैं ब्राउज पे जाके, हमारी यहाँ पर 6 कैटेगरीज आ चुकी है, प्रोडक्ट कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। तो अब चलते हैं यहाँ पर होम पे आते हैं, हम होम वाले कंट्रोलर पे वहाँ पर फेच करके लेकर आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बैनर फेच कराए थे वैसे ही हम यहाँ पर कर लेंगे गेट कैटेगरी। तो यहाँ पर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं गेट कैटेक, कैटेक नाम देख रहा हूँ मैं, ताकि काफ़ी सारी कैटेगरीज होंगी अलग अलग नीचे हम निकाल सकते हैं, तो कैटेक नाम से बना लिया और गेट कैटेक का। अब मैं होम मॉडल में आता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा, सेम इसी को कर लेता हूँ कॉपी, ऐसा ही चाहिए मुझे वहाँ पर भी। कैटेगरी वो जो कि एक्टिव होगी वही चाहिए मुझे जहाँ पर इसका स्टेटस एक्टिव हो, और ईसी कैटेगरी ये इसकी टेबल का नेम हो गया। चलते हैं यहाँ पर फिर से ईसी कैटेगरी रिजल्ट में चाहिए मुझे, यहाँ पर होम पे आते हैं, कैटेगरी होगी यहाँ पर, इसको लगाते हैं डाई, एक बार कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट आर, चेक कर लेते हैं कि कैटेगरीज हमारी आ रही है नहीं आ रही, बैनर तो हमारे आ रहे थे लास्ट ट्यूटोरियल में। चलते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाता हूँ, सेव करता हूँ, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरीज भी बिल्कुल आ रही है, कैटेगरी नेम स्मार्ट वॉच वगैरह ये सारी मेरे पास बिल्कुल आ रही है। तो अब हमने कैटेगरी भी ले ली है, तो कैटेग नाम से लिए मैंने यहाँ से, तो उसको भी हम फॉर ईच लूप में चलाएंगे। तो एक बार चलते हैं हमारा इंडेक्स का पेज, यहाँ पर फ्रंट में आते हैं, फ्रंट के अंदर इंडेक्स का पेज एक बार सर्च कर लेता हूँ विद ब्लूटूथ, विद ब्लूटूथ यहाँ पर मिल गई मेरे को। तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉलम्स बने हुए, इतने सारों की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे तो लूप से चलाना है इनको, सारे कॉलम हटा देते हैं, सिर्फ एक कॉलम रखते हैं, सेव करता हूँ, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ एक कॉलम आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर। अब इसी के अंदर लगेगा हमारे पास फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप लगाने से पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि भाई अगर कैटेगरी है एग्जिस्ट करती है तो ही यहाँ पर मेरे पास आए, इफ यहाँ पर नॉट एम्प्टी है, अगर जो भी कैटेग है मेरे पास जो वेरिएबल मैंने वहाँ पर बनाया था अगर ये नॉट एम्प्टी है तो ही ये यहाँ पर चलेगा। तो अब इसके बाद मैं लगाऊंगा फॉर ईच लूप। तो अभी मैंने ऊपर जो आपको बताया था वो बताया था मैंने एज अ ब्रैकेट से, अब मैं यहाँ पर PHP 8 वर्जन का बता रहा हूँ जिसके अंदर हम कॉलन्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये है तो मैं लगाऊंगा फॉर ईच डॉलर कैटेग एज डॉलर कैट, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो हमारे पास फॉर ईच बंद हो चुका है, यहाँ पर आएगा हमारे पास फिर से फॉर ईच एंड फॉर ईच, और इसके बाद आएगा हमारे पास एंड इफ, मैंने यहाँ पर कर दिया एंड इफ। एक बार चलते हैं कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 5 बार। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 5 बार प्रिंट हो रही है क्योंकि 5 ही कैटेगरीज है। अगर मैं किसी का भी स्टेटस यहाँ से जीरो कर दूँ जैसे हमने बैनर में करा था तो यहाँ पर आएगी सिर्फ 4। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने बैनर में भी ऐसे ही करे थे। तो हमारे पास कैटेगरी आ चुकी है, हेडफोन्स आ रही है सारी, बट मुझे तो डायनेमिक चाहिए, तो कैटेगरी ये वेरिएबल है सारी वैल्यूज़ को लेकर आ रहा होगा, इसके अंदर लगाते हैं हम PHP, इसको करा लेते हैं प्रिंट। तो वहाँ पर था कैटेगरी का नेम कैट अंडरस्कोर नेम, ये क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि कॉलम का नेम क्या है यहाँ पर कैट अंडरस्कोर नेम, ये सेव हो गया होगा। ये वाली चीज़ को हम हटा देते हैं, उसके नीचे हमें जरूरत नहीं है इसकी, हमें चाहिए इमेजेस। तो इमेजेस कैसे आएंगी, यहाँ पर अपलोड्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर इसी को लगाते हैं और यहाँ पर आ जाएगी हमारी इमेज नाम का कॉलम। चलते हैं इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सारी कैटेगरीज मेरे पास आ चुकी है। तो जिन जिन के ऊपर भी मैं यहाँ पर होवर करूँगा तो वो सारी कैटेगरीज आ चुकी है। तो आई होप गाइज आपको समझ आएगा किस तरीके से हम यहाँ पर एक कैटेगरीज को लेके आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे यहाँ पर किस तरीके से लेकर आना है। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।